हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गैंग्स ऑफ स्टडी पुर, मेक सम स्टडी पंथी। आइए मुरारी पांडे के साथ स्टडी पंथी करते हैं फिजिक्स में। जैसे कि फ्रेंड्स हम फिजिक्स में स्टडी पंथी करते आ रहे हैं, चीजों को जोरों शोरों से पढ़ाई पे जोर लगा रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं, टारगेट पर 25 out of 25, है ना फ्रेंड्स। याद है, कहीं भूल गए हो, बार बार याद दिलाना पड़ रहा होगा, इसको बोलना मत 25 out of 25, इसको हमारा टारगेट है, इसको फोकस करना है, तो हम उस पर काम है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हम जोरों शोर से काम कर रहे हैं ताकि फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और जब छूटेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज पाना है तो चीजों को छोड़ना नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चीजें जोर शोर से चल रही है, हमने पढ़ रहे थे क्या, इसके जो पढ़ रहे थे हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसमें एक क्वेश्चन दिया था आपको, तो उसका राइट आंसर होगा जड़त्व। क्योंकि जब कोई वस्तु, जो उसका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका राइट आंसर होगा कौन सा, जड़त्व। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब कोई वस्तु किसी वेग गति कर रहा है ना, तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहना चाह रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, जड़त्व होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस चीज को टिक मार लेना, और ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो प्रैक्टिस करते रहना, है ना। आज है जो हम लेक्चर 10 है हमारा, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति। काफी इंटरेस्टिंग है, कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य करेंगे, ऊर्जा कहाँ से आएगा, शक्ति कैसे हुआ, वो सारी चीजें आज समझेंगे। क्या है कार्य, बोलते हैं ना आप ये काम कर रहे हो, तेरे अंदर क्षमता नहीं है भाई, और तेरे अंदर शक्ति नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें है जो देखते हैं, क्या है कैसे है वो चीजें समझते हैं। देखो, आपके डेली लाइफ रूटीन में आप चीजें काम करते हो, जैसे कि आप खेलते हो, सोते हो, जगते हो, तो ये सब क्या है, एक तरह से कार्य है। तो ये आपके जो डेली रूटीन लाइफ चीजें होती है उसको हम कार्य कहते हैं। बट भौतिक भाषा में कार्य कुछ अलग चीज होती है, ठीक है। कार्य का डेफिनेशन कुछ अलग रूप से दिया जाता है, है ना, कि खेलना कूदना और दौड़ना यही आपका कार्य नहीं है, ठीक है, पढ़ना ये सब कार्य नहीं है भौतिक भाषा में। भौतिक भाषा में है जो कार्य का मतलब होता है, बात कर रहे हैं हम किसकी, कार्य की। अगर इस शक्ति चैप्टर की बात करें तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, अरे ठीक है। तो पढ़ना लिखना तो आपके लाइफ में है ही कार्य, डेली रूटीन में कार्य है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन होता है इन फिजिकल वे, भौतिकी रूप से, वो होता है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा हो, कोई ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा हो एफ, तो उस वस्तु में विस्थापन जो होता है, उस वस्तु में जो विस्थापन होता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य को हम वर्क बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्या बोला कि जब किसी वस्तु पर, क्या बोला कि जब किसी वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा हो तो उसके अंदर जो विस्थापन होता है तो उनका गुणनफल ही है क्या कहलाता, आपका कार्य कहलाता है। तो हमने F बल कार्य कराया और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ था S, उन दोनों का क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया। तो यही हमारा क्या होता है, कार्य होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कार्य ही यही होता है। अब बात करते हैं इसकी राशि की, तो फोर्स का आपका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर। तो यह एमके सिस्टम में होता है, एमके सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम पढ़ाता ना, मेजरमेंट सिस्टम। तो एमके सिस्टम में हमने इसको लिख दिया न्यूटन मीटर, और न्यूटन भी क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड का ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये एमके सिस्टम में हो गया, ठीक है। इसका है जो एक एसआई मात्रक है जिसको हम बोलते हैं, नामधारी मात्रक भी जिसको बोल सकते हो, नामधारी मात्रक है, नेम्ड यूनिट, वो है आपका जूल, ठीक है, एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, अगर एमके सिस्टम पूछ दे तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। और इसको और एमके सिस्टम कन्वर्ट करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर। अगर इसको हम सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10^5 डाइन, ये किसमें आता है, डाइन किसमें आता है, सीजीएस सिस्टम में। तो एक वर्क हमारा एक जूल बराबर हो जाता है क्या, सॉरी, एक न्यूटन मीटर बराबर हो जाता है आपका 10^5 डाइन सेंटीमीटर, है ना। तो ये किसमें आ गया, सीजीएस सिस्टम में आ गया। तो इस चीज को याद रखना, इसीलिए चीजें मैं आपको हर वक्त बताते चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोटिस करते हुए चल रहा हूं, कोई भी चीज छूटे नहीं, कहीं से भी कुछ रह ना जाए, है ना। तो एक न्यूटन को हम 10^5 डाइन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं सीजीएस सिस्टम में, और
एमके सिस्टम में न्यूटन मीटर बोल लो, ठीक है, और एक जूल होता है आपका, इसका जो नामधारी मात्रक होता है, जूल महोदय ने हमको इसके बारे में बताया था कार्य के बारे में, तो इसका मात्रक हो गया क्या, जूल हो गया, ठीक है। तो ये था आपका कार्य। कार्य में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी को चलते हुए एक स्लोप फॉर्म में चल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या आपने ऐसा कुछ देखा है कभी कि एक ढलान है ऐसे, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, गाड़ी है जो ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो गाड़ी ऐसे चल रहा है, तो ठीक है, इस पे है कितना बल कार्य कर रहा है, एफ फोर्स कार्य कर रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, और यह बल है जो विस्थापित हो रहा है, थीटा एंगल पे है जो ये काम कर रहा होगा, ठीक है। जब कोई वस्तु है जो इस तरीके से बल कार्य कर रहा हो वह थीटा एंगल पे जा रहा है, ठीक है, ऐसा देखा होगा आपने, तो उस केस में क्या होता है, वर्क बराबर, इसका देखो अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ फोर्स काम कर रहा है, तो इसका एफ का हम क्या निकालेंगे, जो प्रोजेक्शन करेंगे इसका, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये तो फोर्स लग रहा है लेकिन वस्तु तो डिस्प्लेस हो रहा है लोकेशन से, तो ये से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसका, एस हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन वहां पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो जब जहां पे एंगल दिया हो किसी भी वर्क में तो वहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्शन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यार इधर ही हो रहा है ना, तो कार्य तो एक्चुअली में इधर ही होगा, कौन तो इधर ही होगा, लेकिन तो इसको किस फॉर्म में करेंगे, हम उसका प्रोजेक्शन कर लेंगे, पढ़ाया प्रोजेक्शन भी बताया आपको वेक्टर क्वांटिटी में, है ना, तो एफ एस कॉस थीटा। हाँ, अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो ये एफ एस कॉस थीटा समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो समझते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी अदिश राशि है ये, हमारा वर्क है जो एक क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि कैसे है, आपको बताया था W बराबर क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो सदिश गुना सदिश क्या होता है, अदिश होता है कि नहीं, तो आपको जैसे बताया कि बल भी एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है, तो सदिश गुना सदिश बराबर अदिश, डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से, तो समझ में आ गया कि कार्य क्या है, एक तरह से एक आपका कौन सा मात्रक है, तो एक अदिश राशि वाला मात्रक है, ठीक है, कार्य क्या है आपका, अदिश राशि है। तो ये हो गया आपका वर्क। वर्क में एक टर्म आता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर वर्क, वृत्तीय कार्य, ठीक है, उससे पहले चलो उससे पहले समझने से पहले, हाँ, अब क्या होता है कि पूछा जाएगा कि वर्क है जो आपका कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, ठीक है, हमने तो कुछ ऐसा प्रोजेक्शन किया था अभी, ठीक है, ये अब अभी आपको समझ में आ गया, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा का मान कब कितना होगा कि कार्य आपका ज्यादा होगा, आपने भी इस चीज को अनुभव किया होगा मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, कि जैसे भी आप जब काम करते हो तो एक आपको ऐसे डायरेक्शन में चीजों को करना होता है तो वो ज्यादा एफर्ट के साथ काम होता है, लेकिन वही आपको ऊपर उठाना पड़ता है तो उसमें कम काम होता है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर बात करते हैं थीटा, थीटा के वैल्यू अगर 0 डिग्री है, मतलब कार्य है जो एकदम हॉरिजॉन्टल बेस पे ही चल रहा हो, तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि यहां पे कार्य क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कार्य होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, जब आपका 0 डिग्री वैल्यू होगा तो कार्य मैक्सिमम होगा, और फिर अगर 90 डिग्री पे काम होता है, अगर कोई काम जैसे कि क्या करता है, कोई कूली है तो कूली सामान लेकर के ढो रहा होता है, ठीक है, सामान लिया उसको ढो रहा है, तो वह उस केस में कूली द्वारा अगर फिजिकली वे में देखा जाए तो उसका कोई कार्य नहीं है, वो बिल्कुल शून्य कार्य है, क्यों, क्योंकि थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 बराबर क्या हो जाता है, आपको पता होगा कॉस 90 बराबर 0 होता है, अगर हम W बराबर एफ एस
कॉस 90 लिखते हैं तो कुल वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब जब एक कूली बैग को उठा कर ले जा रहा है तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है इन द फिजिकल वे, भौतिक रूप से वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो एफ एस कॉस 90 मतलब 90 डिग्री, अगर कोई भी व्यक्ति है जो कोई भी चीज को ऊपर अगर वर्टिकली कोई काम कर रहा है तो वह उसके लिए शून्य के बराबर कार्य है, ठीक है, और उस केस में सबसे कम ही कार्य होगा या जीरो कार्य होगा, ठीक है। तो ये आपका जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो वर्क कहते हैं, काम तो है लेकिन हम उसको जीरो काउंट करते हैं, ठीक है। आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग वो चीजें काम है लेकिन फिजिकली वे उसको हम जीरो वर्क कहते हैं, जीरो काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? हाँ, ठीक है मेरे भाई, समझो चीजों को। फिर अगर वही कार्य, जैसे कि यहाँ पे ये कार्य हो रहा है और वही कार्य इधर हो जाता, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता, ठीक है, मतलब 180 डिग्री हो जाता, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, तो उस केस में क्या होगा, W बराबर Fs cos 180, ठीक है। तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाता है, माइनस में 180 का मान आ जाएगा आपका माइनस 1 आता है, ठीक है, तो माइनस Fs cos हो जाएगा, ठीक है, Fs हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम निगेटिव वर्क कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपको कार्य का प्रकार भी समझ में आ गया, अगर जीरो डिग्री पे है तो वह एक धनात्मक कार्य हो गया, अगर 90 डिग्री पे है तो जीरो कार्य है, कोई कार्य नहीं है, अगर माइनस 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री विपरीत दिशा में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो डिग्री कार्य हो जाएगा, सॉरी ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये एक को कार्य का प्रकार भी बता दिया। तो ये था आपका कार्य। कार्य में एक पॉइंट आता है सर्कुलर वर्क, वृत्तीय कार्य। आपको क्वेश्चन बना देगा, ऐसे ट्रिकली क्वेश्चन बनाएगा मेरे भाई, देखना कैसे ट्रिकली क्वेश्चन बनाएगा दोस्त। देखो तो क्या होता है कि मान लो एक सर्कल चौराहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे होते हो, यहाँ पे साइकिल चला रहे होते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे होते हो, साइकिल चला रहे होते हो, लो भाई हम साइकिल चला रहे हैं, एकदम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये लो इस पॉइंट पे साइकिल जब चला रहा है तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा, टेंजेंटरी लाइन बनेगा, इधर से जब यहां पॉइंट पे आया तो डायरेक्शन इस तरह टेंजेंटरी बनेगा, इस पॉइंट पर आया तो डायरेक्शन यहां से टेंजेंटली बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप साइकिल चलाते हो तो आप क्या करते हो, झुक जाते हो ऐसे करके, है ना, जैसे मैं बोर्ड की तरफ झुकना चाहता हूँ, साइकिल चलना चाहता हूँ, क्या करूंगा, बोर्ड की तरफ ऐसे झुक जाऊंगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, बोर्ड पे एक तरफ से क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो वह फोर्स क्या होता है, एफ, ठीक है, एफ हो गया। हम चल कहां रहे हैं, तो टेंजेंटली इधर चल रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। और जब भी कहीं पे 90 डिग्री का कार्य होता है तो वह वर्क क्या होता है, जीरो वर्क होता है। जब भी कहीं 90 डिग्री पे काम होगा तो कौन सा कहलाएगा, शून्य कार्य, जीरो वर्क। तो मतलब जब आप किसी सर्कुलर वृत्तीय पथ पे कोई कार्य करते हो तो वो आपका जीरो वर्क कहलाएगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन और इसके बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, डिस्प्लेसमेंट कहीं दिखता नहीं है, जब भी घूम घाम के तो आप वही नजर आ रहे हो, इसके अकॉर्डिंग जब इसके पर्सपेक्टिव देखा जाएगा, आप इधर हो जाओ चाहे इधर हो जाओ, रेडियस तो सेम रहेगा, दूरी सेम रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा, तो कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो ये था आपका सर्कुलर वर्क, वृत्तीय कार्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि कार्य आपको सारा समझ में आ गया होगा। ये लो हमने क्या कर लिया, क्लियर कार्य के बारे में क्लियर किया है, कार्य क्लियर हो गया। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट वन होता है आपका पावर। यूनिट जरूर ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में इसके यूनिट से ही पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका पावर, जिसको हम बोलते हैं शक्ति। इसका शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन होता है, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, क्षमता, तो आपको ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ कार्य करने की दर या क्षमता, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को, ठीक है, दर मतलब कि दर निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, जब कोई वस्तु, ठीक है, किसी समय के अनुदेश किसी कार्य को करता है, ठीक है, जैसे कि शॉर्ट में लिखते हैं कि किसी भी किसी वस्तु को कार्य करने की दर, तो कैसे कार्य कर रहा है, तो समय के रिस्पेक्टिवली जो वस्तु कार्य करता है, जैसे एक घंटे में हमने इतना काम किया
तो वो क्या आपकी शक्ति है कि आप एक घंटे में इतना काम कर सकते हो, ये आपकी क्या है शक्ति है, ठीक है। तो वर्क पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पावर का फॉर्मूला हो जाता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। समय के अनुदिश है जो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, उसकी शक्ति कहलाता है, कार्य करने की दर ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। इसका देखो अब मात्रा की बात करते हैं, तो मात्रक वर्क का क्या होता है न्यूटन मीटर, और ऊपर से क्या रहेगा सेकंड, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, यह भी एक क्या है अदिश राशि है, अदिश राशि है, कैसे, क्योंकि वर्क ये क्या हो गया आपका अदिश, और ये क्या हो गया एक आपका समय भी क्या है अदिश, है ना। जितने भी मौलिक सभी मौलिक राशियां बताया है, याद रखना चीजों को, सभी मौलिक राशि क्या है, सभी मौलिक राशि क्या है एक अदिश राशि है, ठीक है, पता है ना, हाँ अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश बटा अदिश क्या हो जाएगा अदिश, तो पावर ही कौन सा राशि हो गया अदिश राशि हो गया, ठीक है। तो यह है आपका पावर, मतलब किसी वस्तु में कार्य करने की दर ही क्या कहलाता है पावर कहलाता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम ये आपका क्या है पावर है। पावर के अंदर कुछ है जो इसके यूनिट्स होते हैं, जैसे कि जैसे यूनिट्स क्या होते हैं, तो देखो एक एक पावर को हम वाट भी कहते हैं, एक जूल पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा एक वाट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम वाट, इसका जो बेसिकली नामधारी मात्रक होता है वो है कौन सा वाट, एक जूल पर सेकेंड बराबर एक वाट होता है, एक न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है, एक डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, तो ठीक है इसका है तो क्या है आपका, लो लिख देते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड, डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका है जो मात्रक है, तो ये तो एग्जैक्टली जो मात्रक चलता आ रहा है वो है, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी जो मात्रक होते हैं, तो जो होता है पहला आपका तो वाट हो ही गया, और वाट को है जो कई रूप में और लिख सकते हैं, जैसे जैसे से बड़ा बड़ा होता है, तो एक किलो वाट होता है, एक किलो वाट बराबर क्या होता है 10^3 वाट, ठीक है। फिर एक मेगावाट होता है तो 10^6 वाट, ठीक है। फिर एक किलोवाट आवर होता है तो इसका क्या हो जाएगा 3.6 × 10^6 वाट, ठीक है 3.6 × 10^6 वाट, इसी को हम क्या कहते हैं 3.6 × 3.6 मेगा जूल भी कह सकते हैं, मेगावाट भी कह सकते हैं, मेगा जूल मेगावाट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक किलोवाट आवर, एक मेगावाट आवर, और एक होता है आपका हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है हॉर्स पावर। तो एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, इसको याद रखना, एक एचपी बराबर क्या होता है 746 वाट। तो ये सारे हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इस पावर के फॉर्म में यूज होते हैं, इस होते हैं जो आपको कई बार कन्वर्जन के फॉर्म में, कई बार है जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना भाई, कहीं छूट ना जाए कोई चीज, है ना, नोटिस है 25 out of 25, ठीक है। तो ये इसके यूनिट होते हैं, बेसिकली देखा जाता है तो आप जो ह्यूमंस होते हैं आपके जो नॉर्मल लाइफ में जो होते हैं, अगर एक इंसान हार्ट बीट करता है एक सेकेंड में, किसी भी इंसान का हार्ट चलता ही नहीं, हार्ट बीट वो होता है 1.2 वाट है जो एवरेज पावर कंज्यूम करती है। जब आप आपका बॉडी हार्ट बीट कर रहा होता है, आपका हार्ट है जो बीटिंग करता होता है, तो औसतन है जो 1.2 वाट है जो कंज्यूम करता है। जब आप सो रहे होते हो स्लीपिंग के टाइम में, आपका बॉडी है जो 75 वाट करता है कंज्यूम। आप अगर वॉकिंग कर रहे हो, नॉर्मल वॉकिंग करते हो, तो उस केस में 200 वाट कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर आप है जो बाइसाइकिलिंग करते हो तो उस केस में क्या होता है 500 वाट का कंजप्शन होता है। एक तरह से बेसिकली जीके टाइप का क्वेश्चन मैं सोचा बता दूं, है ना। तो ये सारी चीजें भी अगर आप नॉर्मल वर्क रूटीन करते हो, एवरेज वैसे देखा जाता है, एक औसत निकाला गया है तो पर सेकेंड इस तरीके से काम है जो इंसान करता है, तो इतना कंजप्शन करता है, ठीक है। तो ये था आपका पावर का सिस्टम। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका है एनर्जी, अरे वाह बहुत बढ़िया, ऊर्जा।
ये सारी चीजें ना, ये वर्क एनर्जी पावर एक दूसरे का ही जुड़ा हुआ फॉर्म है, तरीका अलग अलग है, ठीक है। कार्य है तभी आपका शक्ति है, ठीक है, कार्य है तभी शक्ति है, और ऊर्जा है तभी कार्य है, और ऊर्जा है तभी कार्य, और कार्य है तो शक्ति है, मतलब ऊर्जा कार्य शक्ति एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रिलेटेड है, ठीक है, चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो बात करते हैं हम एनर्जी का, एनर्जी, एनर्जी क्या है, किसी भी वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाता है वही उसका क्या होता है, ऊर्जा होता है। जब भी कोई वस्तु जितना कार्य करता है वही उसका क्या है, ऊर्जा होता है। ऊर्जा के ही वजह से वस्तु में कार्य करने की क्षमता आती है, वस्तु कार्य करता है ऊर्जा के ही वजह से, ठीक है। तो ऊर्जा क्या है, एक कार्य का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ऊर्जा को हम, ऊर्जा का भी मात्रक है जो सेम हो जाता है जूल, ठीक है, और जूल होता है ऊर्जा का भी मात्रक, और एक जूल बराबर होता है अगर सीजीए सिस्टम में देखा जाए तो 10^7 अर्ग होता है, अगर सीजीए सिस्टम में इसको लिखते हैं, और 10^7 अर्ग होता है, ठीक है, एक जूल बराबर 10^7 अर्ग सीजीए सिस्टम, ये सीजीए सिस्टम हो जाता है, और ये आपका एमके सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये है आपका ऊर्जा, ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं, कई सोर्सेस होते हैं, तो उन चीजों को है जो वन बाय वन हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा है जो बेसिकली देखा जाए मूल रूप से टू टाइप ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पहला तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, हिंदी में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो समझिए स्थितिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा क्या है। जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी क्या है, एक फॉर्म है जिसके द्वारा हम किसी वर्क को करते हैं, कार्य को करते हैं, ठीक है। जैसे आपके अंदर एनर्जी है तो मतलब आप है जो एक किलोमीटर आगे जा रहे हो, तो ये आपकी ऊर्जा के वजह से है जो एक किलोमीटर आगे जा रहे हो, एक किलोमीटर का कार्य कर रहे हो, तो ठीक है, तो ये एनर्जी है। अब बात करते हैं स्थिति ऊर्जा की। ऑब्जेक्ट है जो आपको देखा जाता होगा कि स्थिति मत समझना, स्थिर एक होता है ना स्टैटिक एनर्जी, स्थिर ऊर्जा नहीं, यह आपका स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं, तो समझते हैं स्थिति ऊर्जा क्या है, कि जब भी किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन, मतलब किसी भी वस्तु के पोजीशन में परिवर्तन, में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उसका क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा है जो हमेशा गुरुत्वीय क्षेत्र में, जैसे कि आपका देखा जाता है एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा होती है देखते हो हमेशा टेंसाइल लगता रहता है, तो वह स्प्रिंग का कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। आप किसी छत से जो बॉल को गिराते हो, बॉल रखा है उसको गिराते हो, तो बॉल का जो यहाँ पे स्थिति के कारण जो ऊर्जा हो रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को हम पी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पी लिखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी वस्तु होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा, अगर एनवायरमेंट हमारा वातावरण में है तो उसपे कुछ गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, जिसको हम जी कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कोई वस्तु है इस हाइट पे है, तो हाइट पे है तो इसके अंदर इस ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा, स्थितिज, इसके अंदर जो वस्तु हाइट एच हाइट पे है तो इस वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो हो जाएगा एम जी एच, मतलब वस्तु का मास, ठीक है, वस्तु का मास, इसको भी समझाएंगे, ठीक है, मास के मतलब से क्या, यहाँ पे मास को क्यों यूज करते हैं वो भी आपको आगे बताऊंगा, इंतजार करना थोड़ा, है ना। तो वस्तु के अंदर जो मास के वजह से जो ऊर्जा हुआ, तो ये मास है और मास पे क्या काम कर रहा है, ग्रेविटेशन कर रहा है, तो जी हो गया, और कितने ऊंचाई से ग्रेविटेशन काम कर रहा है, तो एच ऊंचाई से काम कर रहा है, तो इस एच ऊंचाई पे इस वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। तो ये है आपका स्थितिज ऊर्जा,
ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन से जो ऊर्जा डेवलप हुआ उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और ऊर्जा भी क्या है, एक आपका अधिश राशि ही है, क्योंकि कार्य ऊर्जा की वजह से ही कार्य है, तो कार्य क्या अधिश है, तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगा आपका अधिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वन है आपका काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी काइनेमेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा जैसे उसकी स्थिति में परिवर्तन की वजह से हुआ, अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, और उस पे जो गति के दौरान जो उसके अंदर ऊर्जा होती है, अगर बॉडी मोशन कर रहा है और गति के दौरान जो वस्तु के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वह क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गति के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कंटिन्यूस चेंजेस आ रही है, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, v स्क्वायर। अगर इसी को संवेग हो गया, अब गति कहाँ, संवेग भी कहाँ होता है, गति होता है। ठीक है, तो अब इसको संवेग के फॉर्म में लिखते हैं, संवेग मोमेंटम, संवेग मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं पी। तो अगर हम इसको पी के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए पी के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक बटा दो एम वी स्क्वायर गुना एम अपॉन एम, एम से गुना किया, एम से भागा दिए, तो क्या किया, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा एम। तो पी के फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के ई बराबर हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर पी बराबर एम वी, पता है ना, हाँ, तो पी स्क्वायर बटा 2m। तो ये आपका आपके इसके मोमेंटम के फॉर्म में इसका फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का ये हो जाएगा। अब जैसे देखते हो विकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट में बॉल फेंकते हो तो बॉल में क्या होता है, गति होता है, उस गति के कारण क्या होता है, विकेट पे जाके लगता है। ठीक है, तो विकेट के अंदर जो चेंज हुआ वो तो स्थितिज ऊर्जा हुआ, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, और फिर जब विकेट आगे भागने लगता है तो वो क्या कहलाता है, आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ये आपका काइनेमेटिक एनर्जी। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा है ना समझने में चीजों को। तो फिर ये था आपका एनर्जी सोर्स, और यही काइनेमेटिक एनर्जी के, और जो स्थिति जो ऊर्जा होता है ग्रेविटेशन की वजह से काम कर रहता है, उसके गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं जो जी की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है जो आपकी गति के प्रकार हो गए, फिर गतिज ऊर्जा के प्रकार हो गए, और एनर्जी के कई सोर्स होते हैं, एनर्जी कई टाइप्स के होते हैं, एनर्जी फॉर्म, एनर्जी फॉर्म कई फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपका हो गया आंतरिक ऊर्जा, जैसे बॉडी है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको लिख लेना, इसके बारे में भी ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, आती नहीं है। ठीक है, आपका हो गया सोलर एनर्जी, एनर्जी, नेक्स्ट वन हो गया आपका केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, आपका हो गया न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये सारे हैं जो एनर्जी के टाइप्स होते हैं, और भी कई टाइप्स होते हैं, तो ये सारे एनर्जी के टाइप्स होते हैं। और बेसिकली जो एनर्जी के सोर्स होते हैं ये तो एनर्जी फॉर्म थे, और एनर्जी सोर्स है जो दो ही होते हैं वो है आपका सोर्स, एनर्जी स्रोत वो मुख्यतः दो होते हैं, एक तो आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है, कन्वेंशनल जिसको हिंदी में बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी जिसको हिंदी में बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स, और दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल अनवीकरणीय, जिसको
करनी है, मतलब ऊर्जा का वह स्रोत, ऊर्जा का वह स्रोत जिसे हम दोबारा से बना सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रीजनरेट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय एनर्जी सोर्स, ठीक है। और वह ऊर्जा का स्रोत जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं उसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी के टाइप, सोर्स, सारी चीजें समझते चल रहे हैं। इसके अंदर एक आता है, एक आपका होता है टर्म्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम, थ्योरम ये क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु गति कर रहा होता है तो उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होता है वही वस्तु का क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जब कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति के कारण जो वस्तु के अंदर गतिज ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा ही वस्तु का क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है, ये कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जब कोई वस्तु जितना गति कर रहा होगा वही वस्तु का क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एनर्जी थ्योरम। अब एक इसके अंदर पढ़ना होता है लॉ ऑफ, अगला है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ये क्या कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, हिंदी वाले भाई, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये देखिए वो क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखिए क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा है जो वह स्रोत है, ऊर्जा वह एक स्रोत है जिसे तो हम ना ही बना सकते हैं और ना ही, ऊर्जा वह स्रोत है जिसे हम ना ही तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही मतलब ना बनाएंगे ना ही हम तोड़ेंगे, मतलब ना ही बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा है जो एक रूप से दूसरे रूप में, ऊर्जा है जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करते हैं। एनर्जी कैन बी नाइदर जनरेट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऊर्जा को है जो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि आप क्या करते हो, आपने क्या किया, एक ऊष्मा ऊर्जा दिया, हीट दिया, तो क्या होता है, आग है जो ऊष्मा ऊर्जा होता है उसको किस में बदल जाता है, आग में, जलने के बाद वो क्या हो जाता है, राख बदलता है, राख बदलता है, तो राख भी एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है, ठीक है। जिसको बेसिकली इस टर्म को डिटेल में समझाया आपका आइंस्टीन ने समझाया, ठीक है, मतलब ऊर्जा को ना ही तो बर्बाद कर सकते हैं ना ही तो हम बना सकते हैं, बल्कि एक दूसरे दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं, हाँ। लेकिन जब ट्रांसफर होता है, ठीक है, जब ऊर्जा, देखा होगा कि ट्रांसफर होता है, ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे कि आपने है जो एक बेस्ट एग्जांपल, जैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, हमने क्या किया, एक मोटर लगाया, इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई दिया, ठीक है। इसी के साथ हमने क्या किया, एक जनरेटर को जोड़ दिया, मोटर, ठीक है, यहां पे क्या जोड़ा, जनरेटर, और फिर इसमें हमने क्या कर दिया, मोटर जोड़ दिया। तो देखिए क्या होता है, हमने मोटर चलाया, मोटर रोटेट किया तो जनरेटर घुमा, जनरेटर घुमा, यहां पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कर दिया, मजा आ जाएगा ना समझ में, देखिए इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया और फिर इसने क्या किया, मोटर को चला दिया, मतलब यहां से मोटर में दिए, फिर जनरेटर में दिए और फिर मोटर में दिए, पहले हमने ऊर्जा को कहां दिया, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी था उसको मोटर क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, फिर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल कर दिया, तो ये कैसे क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से जो हम ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं, ना ही इसको बर्बाद कर सकते हैं, ना ही जो हम बना सकते हैं, बल्कि सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं वन वे टू अनदर वे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीजें यहाँ पे यूजफुल वे में बन रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ऊर्जा को ट्रांसफर करते हो, जैसे जलाया, जला करके वो राख बनता है, राख एक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन हम उसको यूजलेस एनर्जी फॉर्म मानते हैं, मतलब हम उसको दोबारा से उपयोग नहीं कर पाते हैं, या उपयोग ये करते टाइम क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है, मतलब अनयूजफुल एनर्जी सोर्स बनता है, तो उसको हम एनर्जी डिसअपीयरेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का क्षय बोलते हैं, ठीक है। उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का क्षय बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा टर्म्स था एनर्जी टर्म्स। इसके अंदर फिर कुछ जो एक आइंस्टीन ने थ्योरम दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसके वजह से आज उनको आइंस्टीन काफी उससे फेमस है ना, जो क्या है आपका एनर्जी मास इक्विवेलेंस, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस बैलेंस, ऊर्जा द्रव्यमान संतुलन, द्रव्यमान संतुलन संतुलन, ये है जो आइंस्टीन द्वारा 1905 ईस्वी में इस थ्योरम को दिया गया था, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है, 1905 ईस्वी में ये थ्योरम दिया था आइंस्टीन ने कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं सभी के अंदर है जो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और वही द्रव्यमान के फॉर्म में है जो ऊर्जा हर एक वस्तु में संरक्षित होता है, ठीक है, मतलब जितने वस्तु है उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और वह द्रव्यमान है जो उस वस्तु के ऊर्जा के बराबर होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। जैसे कि E बराबर किसी वस्तु के अंदर जो एनर्जी होगा उस वस्तु के मास जो होता है, मास उसके संतुलन होता है, ठीक है, किसी वस्तु के मास के संतुलन होता है, ठीक है। और तो E बराबर mc स्क्वायर, और यह है जो c कांस्टेंट लिया जो कि क्या है आपका लाइट स्पीड है, ठीक है, लाइट स्पीड है जिसको किसने कांस्टेंट लिया, आइंस्टीन ने कांस्टेंट लिया, और c बराबर क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब जितनी वस्तु एक खुद के अंदर है उसके मास की वजह से उसके अंदर ऊर्जा होती है, ठीक है, जो इस फॉर्म में होती है E बराबर mc स्क्वायर है जो उन्होंने इस फॉर्मूला को ड्राइव किया था 1905 ईस्वी में। इसके अंदर व्याख्या में डिटेल में जाने की जरूरत अभी है नहीं, अभी आपको है ना बस इतना ही समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, E बराबर mc स्क्वायर कैसे बोला था, और इसी के बेस है जो, इसी के बेस पे है जो ऊर्जा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, जैसे मास और मास पर लाइट स्पीड गया तो दूसरे में है जो एनर्जी वो ट्रांसफर भी होता है, यह जो लगभग एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को भी सत्यापित करता है, ठीक है। तो यह आपका एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ठीक है, जिन्होंने किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc स्क्वायर। हाँ, और एक चीज और, हाँ, उन्होंने यह भी बताया था कि 1 ग्राम बराबर किसी वस्तु में जो अगर मास है तो मास में 1 ग्राम मास बराबर क्या होता है 9×10⁻¹³ जूल है जो वस्तु के अंदर एनर्जी होता है। 1 ग्राम अगर किसी वस्तु का मास है तो उसके अंदर 9×10⁻¹³ जूल है जो वस्तु के अंदर क्या होगा, मास होगा, ठीक है। तो उन्होंने है जो ये सारे चीज इंपॉर्टेंट तत्व बनाए। तो इस तरीके से क्या होता है आपका एनर्जी पावर और वर्क के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि कहता है एक घोड़ा, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, एक घोड़ा, एक घोड़ा 20 न्यूटन के फोर्स से है जो 5 मीटर तक विस्थापित होता है, घोड़ा है, ठीक है, और 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और कितने दूर जाता है 5 मीटर तक जाता है, तो उस केस में है जो वर्क क्या होगा, घोड़े द्वारा क्या कार्य क्या होगा। तो क्वेश्चन जैसा देख रहे हो तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 20×F×S 20×5, अगर आंसर जूल में दे रखा है तो क्या लिख देंगे 20×5 जूल, सॉरी शक्ति पूछ रहा है तो घोड़े की शक्ति क्या है, पावर है ना, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा।
अगर शक्ति के पूछेगा तो जूल पर सेकेंड, अगर कार का पूछेगा तो 20 गुना 5 जूल हो जाएगा, सीधी सीधी बात। ठीक है, हम यहाँ पे कार ही पूछ रहा होगा ना, हाँ 20 गुना 5 जूल हो जाएगा, सॉरी अगर कार्य पूछ रहा है तो 20 गुना 5 क्वेश्चन ये है कि जूल कितना कार्य करेगा। ठीक है, तो 20 गुना 5 जूल हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वस्तु तो उसकी गतिज ऊर्जा, क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा करके 4 times कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर है जो संवेग कितना, मतलब संवेग में क्या परिवर्तन होगा, संवेग में क्या परिवर्तन होगा, यही क्वेश्चन है ना कि गति के। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वस्तु है अगर उसको जो 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपके पास क्या होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, हम इसको क्या लिखते हैं, 1/2 mp² ठीक है, 1/2 mp², यही होता ना संवेग के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के टर्म में ये लिखते हैं तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के ई 2m है ना, और p बराबर अंडर रूट 2mke है ना। तो इस चीज को ऐसे लिख दिया, और जब पूछ रहा है कि जब ke बराबर 4 हो, जब ke बराबर 4 times कर दिया जाए तो p डैश क्या हो जाएगा, संवेग 2 क्या हो जाएगा, तो संवेग का फॉर्मूला होता है रूट 2m और इंटू 4ke, यही हो जाएगा ना। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 और रूट 2mke। ठीक है, मतलब p संवेग क्या हो जाएगा उस केस में, संवेग हो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वस्तु को गतिज ऊर्जा को 4 गुना बढ़ाते हैं तो उसका संवेग में कितना परिवर्तन आएगा, 2 गुना आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का है जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्क एनर्जी और टाइम, जिसके एक दो क्वेश्चन भी देखे हैं, इसके एक दो न्यूमेरिकल्स और भी हम समझेंगे, और आप घर पे बैठ के इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ज्यादा नहीं है 3-4 फॉर्मूलाज यूज होंगे और उस पर आपके सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। कोई डाउट है तो कल आप सॉल्व करके लाना, पूछना, और बाकी 2-4 न्यूमेरिकल कल के लेक्चर में और इसका है जो देखते हैं, ताकि चीजें समझने में और आसानी हो जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको वही न्यूमेरिकल दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा ट्रिकली होगा, बाकी हल्का हल्का क्या 20 गुना 5 तो आप भी कर लोगे, क्या मैं बताऊंगा 20 गुना 5 है ना, वो तो आप भी बैठ के करोगे, लेकिन समझना वो होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है। तो मैं वो न्यूमेरिकल आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, और साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में है तो चीजें इतना लगभग काफी है, सफिशियंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आज का लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर अगर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो यार, अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल मजा आया वो पढ़ने में, इतना तो पढ़ लिया होगा है ना, और फिर यार सब्सक्राइब तो कर ही दो अगर नहीं सब्सक्राइब, ताकि आपको चीजें बैक टू बैक मिल रहा, अगर अच्छा लग रहा हो तो, नहीं अच्छा लग रहा तो यार डिसलाइक मारो, कमेंट मारो कि भैया हमको इसमें ये चीजें नहीं समझ में आया, मारो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं समझ में आता है तो, ताकि कल को हम उस चीज को दूर भी कर पाएंगे। अगर आप मेरे अच्छे दोस्त हो तो हमारी कमी को भी बताओगे, हमारी अच्छाई को भी बताओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और दोस्तों को भी शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा, ताकि आपके दोस्त भी इससे जुड़े और चीजों को समझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना का काल से बचो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने सेफ्टी के साथ, है ना। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ध्यान रखना अपना अच्छे तरीके।